हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशु गुप्ता आर्टाना क्लब। आज हम बनाने जा रहे हैं लॉर्ड बुद्ध की ब्यूटीफुल सी पेंटिंग। इस पेंटिंग को हम लोग कैनवास में बनाएंगे। कैनवास मैंने जो ले रखा है 20x30 इंचज़ का, उसमें कैनवास का साइज़ ले रखा है। और इसमें जो मीडियम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे एक्रेलिक कलर। और सबसे पहले अभी मैं अभी इसकी पैकेजिंग ओपन कर रहा हूँ। पैकेजिंग ओपन करने के बाद हम लोग इसमें ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें पेंसिल कलर का यूज़ करना है। इसमें हम ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे। ग्रेफाइट पेंसिल अगर हम इरेज करते हैं या फिर हम कलर करते हैं तो वो थोड़ा सा जो उसका ग्रेफाइट होता है वो फैलाती है। इसलिए हम इसमें क्या है पेंसिल कलर का यूज़ करेंगे। इसलिए अगर हमारी कोई मिस्टेक आती है तो इजली हम लोग उसको इरेज भी कर पाएँ। और ये मैंने स्केच करने के लिए उसका साइज़ दिया। सबसे पहले मैं अपने लॉर्ड बुद्ध की जो फिगर के साइज़ है उसकी मैं हाइट के लिए एक लाइन खींचूंगा, जिसमें क्या होता है कि हमें हाइट दिखाना है हमें कि हम इसमें हाइट कितनी ले रहे हैं, तो हमें मेजरमेंट हमारा अच्छे से हो जाएगा। अगर आप चाहें तो रूलर का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो ये आई मेजरमेंट से भी हो जाएगा। सेंटर में करना है हमें, जो लॉर्ड बुद्ध की जो फिगर होगी इसके सेंटर में हमें लाइन लेनी है। स्केच करते टाइम हम कुछ ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। जब हम स्केच करते हैं तो अभी हम उसमें कोई भी डिटेलिंग नहीं करेंगे। अभी हम जैसे क्या है फेस के लिए हमने ओवल बनाया है, ठीक है, और उसके ओवल के अकॉर्डिंग हम सारे जो बॉडी का जो प्रपोर्शन है वही हम आई मेजरमेंट से हम उसको ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद हम लोग इसमें कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसमें बहुत ईजी फॉर्म में मैं उसको स्केच कर रहा हूँ। वो भी हमें जो स्केच करना है वो बिल्कुल फ्री हैंड करना है। और कोई भी अगर आपको कोई इशू लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, जो उसका जो प्रॉपर लॉर्ड बुद्ध की पेंटिंग है, और उसको आप उसको देख के बना सकते हैं। और इसको केवल आप ऑब्जर्व करिए, इसको देख के आप बनाइएगा मत। जो स्केच होता है स्केच को हम उसमें से जो हमारी जो प्रॉपर वॉलपेपर है हम उसमें से बनाएंगे। और ये बस ट्रिक्स है, इसको केवल आपको देख के ऑब्जर्व करना है। और सबसे पहले मैंने देखिए फेस में केवल इसके आईब्रोज़ बनाई हैं। आईब्रोज़ के बाद मैं इसको नोज़ लूँगा। नोज़ के बाद मैं इसकी आईज़ का स्केच करूँगा। आईज़ के बाद लिप्स का होगा। इस तरह से हमारा क्या है कि हमारा प्रॉपर फेस बन जाएगा। और लास्ट में हम इसके हेयर्स बनाएंगे। आप देख पा रहे होंगे ये फेस का जो मैं बना रहा हूँ स्केच, बहुत ईजिली मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। उसमें कोई मैं इरेजर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बस हमें थोड़ा सा क्या है ट्रिक्स को फॉलो करना है।
तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा स्केच ये रेडी हो चुका है। इसको स्केच करने के लिए मैंने ब्लू पेंसिल का यूज़ करा हुआ है। अब मैं इसमें एक्रेलिक कलर का यूज़ करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम अगर एक्रेलिक कलर में अगर कलर को मिक्सिंग करते हैं तो कलर मिक्सिंग के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि हमें ब्राइट कलर पहले लेना होता है, देन उसके बाद हम लोग उसमें ब्राइट कलर के साथ में डार्क कलर का यूज़ करते हैं। अगर आप ब्रश सेम यूज़ कर रहे हैं तो आप ब्रश को वॉश ज़रूर करिएगा और ब्रश से ही उसकी मिक्सिंग करिएगा। अभी मैं इसको स्काई ब्लू कलर बना रहा हूँ, तो पहले मैंने उसमें वाइट कलर लिया हुआ था, आप देख पा रहे होंगे। देन मैंने उसमें ब्रश वॉश करने के बाद उसमें मैंने ब्लू कलर का यूज़ करा और फिर मैंने कलर मिक्सिंग करी। कलर मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इसमें जो भी मेरे सेक्शन में अप्लाई करना होगा मैं वहाँ पर इस कलर को अप्लाई करूँगा।
Seven songs.